नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा। शिखा मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए डेली नई वीडियो लाती हूं, जिसमें कुछ खास उपाय होते हैं। उन उपायों को आप अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे तुलसी की। तुलसी सभी के घरों में होती हैं, लेकिन तुलसी के कुछ खास नियम होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते और वो गलती करते हैं। इसके कारण उनके जीवन में दुष्प्रभाव पड़ता है। रात के समय तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, जाने क्या कहता है हमारा शास्त्र। विष्णु पूजन में तुलसी की पत्तियों का विशेष इस्तेमाल किया जाता है और इनके बिना पूजा ही अधूरी मानी जाती है। लेकिन तुलसी की पत्तियों के तोड़ने के कुछ खास नियम हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी के पौधे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा होता है, उस घर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यूँ कहा जाए कि इस पौधे को देव तुल्य माना जाता है और कुछ विशेष समय और अवसरों पर इसकी विशेष पूजा करने का भी विधान है। सिर्फ ज्योतिष में ही नहीं, बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम तुलसी के पौधे का श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं और इसके पौधे में नियम से जल चढ़ाते हैं तो सुख और समृद्धि बनी रहती है। वहीं तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने और इसके स्पर्श को लेकर भी कुछ विशेष नियम हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुसार तुलसी की पत्तियों को रात में तोड़ना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल यदि हम रात की किसी पूजा में करना हो तो इसे सूर्य अस्त के पहले तोड़ लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रात के समय तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि सूर्य अस्त के बाद कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। दरअसल तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और रात के समय इसे तोड़ने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि तुलसी के पौधे को राधा रानी का रूप माना जाता है और शाम के समय वो श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। इन दिनों में भी ना तोड़ें तुलसी की पत्तियाँ। यदि शास्त्रों की माने तो कुछ विशेष दिनों में भी तुलसी की पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, जैसे रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी ना तोड़े। किसी भी अमावस्या तिथि के दिन भी तुलसी की पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। यदि कोई भी ग्रहण जैसे सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी की पत्तियाँ भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि ग्रहण से पहले इनकी पत्तियाँ तोड़कर घर के कुछ विशेष स्थानों में और खाने की सामग्री के आसपास जरूर रख दें। ऐसा करने से ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तुलसी की पत्ती तोड़ने के नियम। तुलसी की पत्तियाँ कभी भी रविवार या एकादशी के दिन ना तोड़ें, ना ही इन दिनों पर स्पर्श करें। यदि आप किसी भी काम के लिए तुलसी के पौधे की पत्तियों को तोड़ना चाहते हैं तो इसे तोड़ने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करें। कभी भी नाखून से इन पत्तियों को ना तोड़ें। तुलसी का स्पर्श कभी भी गंदे हाथों से ना करें। अपवित्र शरीर के साथ तुलसी का स्पर्श ना करें। यदि किसी भी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे तुरंत हटा दें और इसके स्थान पर नया पौधा लगाएं। तुलसी की पत्तियां किसी भी वजह से तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगें और अनुमति लें। यदि आप तुलसी की पत्तियों को तोड़ने के लिए बताए गए विशेष नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में भी सदा खुशहाली बनी रहती है और समृद्धि आती है।